करें अरे करो हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में ना कुछ लोग होते ही हैं elements. जो हाँ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पिंच करते रहते हैं भाई क्या कर रहा है मुझे जो चीज मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ मैं काफी चीजें पढ़ना चाहता हूँ लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा जिसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है ठीक है पर मुझे पढ़ना पड़ेगा मैंने अभी तक मुझे लगता है डेढ़ सौ प्रोजेक्ट कर लिए हैं जो विच इज नॉट शेन बी

तो भाई सेशन का नाम है द अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट और आज मेरे साथ जो इंसान जो शख्सियत जुड़ चुके हैं उनका नाम है शन बी और से चल के जानेंगे कि शयान भट्ट से शन बी का जो सफ़र था यूजली पहले ये रॉक बैंड में प्ले करते थे लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स हिप हॉप वो बढ़ गई सिया मेरे साथ है तो सर पहले तो मैं यही पूछूंगा कि कहाँ रॉक और कहाँ हिप हॉप जो ये फिर एक सीनैरियो चेंज हुआ कैसे हुआ अरे आप बहुत ये एक ऐसी जर्नी रही है जो मुझे भी खुद समझ नहीं आया टू तो बी ऑनेस्ट अभी भी अगर आप मेरा हिप हॉप कोई भी आप ट्रैक सुनोगे उसमें रॉक के ट्रेसेस अभी भी मिलेंगे वो ड्रम्स हैवी और गिटार्स तो वो कहीं ना कहीं एक ना छाप छोड़ जाता है पहले बैंड था हमारा लेकिन जैसे आपको पता बैंड के लिए एक से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं जब वो सब लोग मेरे से पाँच साल बड़े थे बेसिकली उनके वो सब एडवोकेट्स थे पढ़ाई कर रहे थे नौकरियाँ लग गई मैं अकेला बच्चा बेचारा रह गया तो जब उन्होंने कहा कि हम चले नौकरी करने मैंने कहा मैं क्या, क्या करूं भाई मैं जामिया चला गया बस वहां पर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते और फिर मैंने सोलो जब करियर अपने आप को उसमें डिस्कवर करने की कोशिश की तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हिप हॉप पे आ गए तो मैं रोलिंग स्टोन का एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें हाँ। लिखा था कि जो मेटरनल फैमिली है उसमें मेरे पोइट हैं म्यूजिशियंस हाँ। हैं आर्टिस्ट हैं लेकिन जो पेटरनल फैमिली है वो थोड़ी भगवान स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है थोड़ा है ना तो शैन भी जो था एक आर्ट जो थी वो कहाँ से आई उसमें इंटरेस्ट कब बना स्कूल टाइम से था यार देखो जब इस चीज़ की समझ भी नहीं थी तब की क्या चीज़ अलाउड है क्या नहीं है तब से कर रहे हैं हम वो तो बाद में जब अकल आई पता चला कि यार नहीं ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए हमारे में अलाउड नहीं है लेकिन तब तक लेट हो गया था आई थिंक और अभी भी मैं थोड़ा जितना हो सके रिफ्रेन करता हूँ इस चीज़ से लेकिन कभी होता है ना आपको एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है तो बस फिर क्या करें सुबह डिसाइड करते हैं आज छोड़ देंगे शाम को फिर गाना बना रहे होते हैं सच इज़ माई लाइफ राइट नाउ तो वही है जो मेरी मेटरनल साइड है काफ़ी मतलब शायर वायर रह चुके हैं और ये काफ़ी मुझे लेट पता चला था लाइक अच्छा। like, जब मैं ट्वेंटी वन की एज का था या ट्वेंटी टू के उसके अराउंड पता चला कि हमारी बहुत एक रिच हिस्ट्री है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक थे और दूसरी वाली तरफ बस पढ़ाई करते थे और ऊपर वाले को याद करते आ, थे, थे जरूरी है ऊपर हाँ तो ये एक मुझे लगता है मेरे में भी कहीं ना कहीं बैलेंस है अगर मेरे आप गाने ध्यान से सुनोगे मैं हमेशा सोसाइटी के बारे में बात करता हूँ और कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले का एंगल होता है हमेशा मैं बैलेंस कर रहा होता हूँ अपने आप को क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ अगर ये नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ तो वो रहता ही है हमेशा चल सी आप सही पूछोग क्या पूछा आपने जैसे बात की मेरे गानों में मैं याद रखता हूँ हिट आ, रहा है आ, जिसमें आपने, आपके को भी आपने बहुत उसमें थ्री लेयर है मेरी डिस्कस कर, कर रहे थे कि थ्री लेयर्स और अब हम बैठ के देख रहे थे भाई कितनी डिटेलिंग है वो सेकंड लेयर के बारे में पूछना चाहूंगी ऐसा क्यों आपको लगता है की इतना हिटरेड है लोगो को एग्जैक्टली That's आपने सब... पे भूत, <laughs> भूत ही बना दिया आपने सबसे पहले तो मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा मैं भूल चुका हूँ <laughs> आप कौन सी सेकंड लेयर की बात कर रहे हो मुझे एक बार रिमाइंड करवाओ क्योंकि <laughs>

आप कुछ कर रहे हो तो भी लोग कहेंगे कि ठीक हाँ, है अच्छा था कर गया लेकिन मैं पर्सनल मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और कुछ कई बार आजकल लोगों को पता नहीं मैं घोस्ट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसमें कभी बेशक नाम ना आए लेकिन चीजें मेरी जाती है क्या पता मैं लाखों कमा रहा हूँ क्या पता मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ तो वो सक्सेस हमेशा मेजर करेंगे कि मैं टीवी पे कब आऊंगा टीवी पे आ गया तो ये सक्सेसफुल है बंदा चाहे जेब में एक रुपया ना हो बट ये ये उनके मैट्रिक्स खराब है, है ना मेजर कमर्शलाइज सीन पे ज्यादा विश्वास वही है जो मैं बोल रहा था कलाकार जब तक कामयाब ना हो तब तक बेकार ही रहता है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा स्कूल को यार इतना हेट क्यों करते थे आपने मैंशन करा वहाँ पे कि यार स्कूल तो एक ऐसी चीज है जहाँ पे क्लोन्स बनाए जाते हैं हाँ मैं सिर्फ अपने के लिए नहीं मैं बात करूंगा मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त मिले एज एन एनवायरनमेंट में हमेशा ट्रैप्ड फील करता था और ये कॉलेज तक रहा था काफ़ी कि मुझे लगता था कि जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ जबकि मुझे बाहर का पता था कि आप बहुत अर्ली अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हो ठीक है ये चीज़ हमारी एजुकेशन सिस्टम से मुझे इतनी नाराज़गी है क्योंकि मैंने अपने आस देखा है कितने टैलेंटेड लोग इंक्लूडिंग मी मैं अपने आप को गिनता हूँ जो कि एक कंस्ट्रक्ट की वजह से मतलब नहीं कर पाए जो करना चाहते थे ठीक है मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा जिसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है ठीक है पर मुझे पढ़ना पड़ेगा और मैं अगर अच्छा नहीं हूँ उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट किया ठीक है मैं मेडिकल uh, पढ़ना चाहता था uh, ख्वाहिश थी शुरू में कि मैं आज भी मेरे को इतनी ज़्यादा डॉक्टर से मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं वो रहती है हम बात करते रहते हैं बट एक फ़िज़िक्स की वजह से वो सारा का सारा सपना जो है चूर हो गया चूर हो गया क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए और मैं दो नंबर से पास हुआ था बस दो नंबर से हाँ। और मिड आप समझ लो जो भी वो अपना सेमेस्टर होता है मिड सेमेस्टर मैंने अपना जो है पूरी स्ट्रीम चेंज कर दी मैं मेडिकल से कॉमर्स में चला गया अच्छा। सिर्फ एक उस फिजिक्स की वजह से बाकी सब अच्छा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो ये ये खाली एक छोटी सी एग्जाम्पल है ऐसे बहुत मैंने कॉलेज टाइम में देखा जब मैं एम एम गया वहां पर आपको कॉम्बिनेशन लेना है सब्जेक्ट का ठीक है जरूरी है जरूरी है मतलब सब मेरे को अच्छे लगे सब्जेक्ट एक इकोनॉमिक्स आ गया क्यों क्यों भाई दे लेना ही पड़ेगा यार ऐसा क्यों है तो ये एक चीज मैं खाली ये कहता हूं फोकस होना चाहिए अभी हो रहा है हमारी चीजें चेंज हो रही है एजुकेशन सिस्टम की लेकिन हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया ना अब आ, आने वाले में भी इस चीज़ का फायदा उठाए हमारा तो काम तमाम हो गया वही चीज मेरे को अभी भी अपने आप से लेके थी और एजुकेशन सिस्टम से बे, मतलब ये शिकायत थी कि मैं पीएचडी करना चाह रहा था जम्मू में मास्कॉम के लिए पीएचडी एच डी नहीं है या तो बेसिक कोर्सेज भी अभी शुरू हुए है हैं हाँ। जब थोड़ा पता चलने लगे कि यार बेसिकली है हाँ एग्जैक्टली exactly, और मास्कॉम भी शुरू हुआ है ठीक है मैं ये आज पूछता हूँ सभी लोगों से मास्कॉम में सिर्फ

वो फीलिंग ही ऐसी थी पता है जैसे एक साल मैंने बताया मुझे एक साल लगा है उस म्यूज़िक वीडियो पे और जब एक साल के बाद फिर और दो साल बीत जाए और फिर कोई चीज़ आपकी नॉमिनेट हो कहीं और जीते ना तब तक वो इंसान हवा में मतलब भूल चुका होता है फिर दोबारा मुझे रियलिटी में आने में ना टाइम लगा कि अच्छा ये सब हुआ है और मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया उसके बाद वाट नेक्स्ट

अगर ये सोच के कि हम जीत गए रुक गए तो फिर फिर तो काम तमाम बंद है आपके बहुत से वीडियोस में हमने ये भी देखा गे गे है जम्मू को मतलब काफी प्रमोट किया और आप बहुत यहीं शूट करते हो हाँ हाँ बट हिंदी में देख रहे थे हम एक सुपरमार्केट <laughs> में हाँ। हमेशा से कैसे आप कि यार ये लेता है, ये लोकेशन लोकेशन हैं लेता ले बहुत सारी हम हमारी ये चीज़ हमारी जामिया में भी शुरू हुई थी बहुत स्ट्रिक्ट फिल्म स्कूल है मतलब वो उस हिसाब से आइडियाज अगर आपसे निकालने हैं ना तो बहुत वो आपको शार्प होना चाहिए दिमाग से कि क्या करना बहुत टफ है वहाँ का हिसाब किताब अगर आप लोगों से शाहरुख खान भाईजान वहीं से आए हैं बरखा दत्त जी वहाँ से आई हैं तो हम भी वो सारे चीज़ें मतलब हमें कैमरा वैमरा चलाना आता था पहले से सीखा हुआ था लेकिन थाट बिहाइंड एवरी वो हमने वहाँ बैक ऑफ योर माइंड क्या चल क्या चलेगा फिल्म्स रीड कैसे करते हैं ये शॉट लेने के सौ तरीके हैं लेकिन आप चूज कैसे करोगे आपने क्या पोर्ट्रे करना है तो वही करते हुए हम हमारा एक वहां पर एक्सरसाइज होती थी कैसे आप यूजुअल चीज़ों को बहुत अनयूजुअल दिखा सकते हो तो वो दिमाग को ना खोलने के लिए वैसे ही हम मैं लोकेशंस को भी वैसे ही देखता हूँ टॉप में शूट किया लेकिन आइडिया ये था कि वो पत्नी टॉप नहीं नहीं नहीं, नहीं लगे मैं अगर बोलू स्विट्जरलैंड है तो बंदे को मान लेना चाहिए कि ये हमेशा आइडिया रहता है तो हाँ मैंने कुछ लोगों को ट्रिक भी किया किसी को मनाली बोला उन्होंने बोला हाँ किसी को बोला एल्प्स में जाके शूट किया हाँ मान गए उनको लगा किया ही होगा क्या बोल सकते हैं यू आपने पोर्ट्रे वैसा कर दिया हाँ तो वही है कि आप नॉर्मल जगह लो और उसको ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करो ये हमेशा

प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आया, आया, लेकिन मेरे को बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली exactly है क्या हा, हा, हा। और ओवरनाइट ही उस पर वर्क करना था हा, हा, हा। लेकिन जब उस पर सारा काम हुआ आउटपुट आई बाद में पता चला कि वो त्रिवागो के लिए हाँ हा। तो एक्चुअली आप साइकोलॉजी उस इंसान की ये समझो जब मेरी बात हुई उससे उसने ये कि हमारे इन हाउस बहुत यहाँ पर हैं साउंड डिजाइनर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बट उनका हर दिन का काम है तो वो ऐसे काम निपटाते हैं कि आप समझो कि हाँ करना है तो बस कर दो कहते मुझे किसी का पसंद नहीं आया चाह रहे हैं यहां पर तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैंने पहले हमेशा मैंने अभी तक मुझे लगता है डेढ़ सौ प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं जो विच इज नॉट शेन बी ठीक है तो वो कंपनीज और ब्रांड्स के साथ हैं ऑलमोस्ट डेढ़ सौ प्रोजेक्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट हाँ, हमेशा यही मेरा क्लाइंट के साथ ये बात होती है पहले मैं जान लेता हूँ इसको चाहिए क्या और हम बातों से ना निकलवा लेते हैं कि इसको एक्चुअली क्या चाहिए क्लाइंट को दो चीजें चाहिए होती हैं एक जो उसके मुंह पे होता है और एक उसके जो दिमाग, दिमाग में होता है।, है तो वो दिमाग में चीज़ जानने के लिए ना उससे थोड़ा निकालना पड़ता है उसको यहां वहां घुमाना पड़ता है कि क्या है तो उसने मुझे कहा कि म्यूजिक प्रोड्यूस करना है लेकिन मुझे चाहिए कि ये ये तो उसमें टॉयज़ थे ये अलाइव लगने चाहिए तो मैं समझ गया इसको साउंड डिजाइन भी चाहिए लेकिन मैं साउंड डिजाइन बोलूंगा तो बोलेगा नहीं यार मैंने तो खाली तो मैंने उसको बगैर वो बोले मैंने उसको करके दे दिया म्यूजिक भी प्रोड्यूस किया साउंड कहता हाँ यही मुझे चाहिए था तो बेसिकली मैं क्लाइंट को समझ गया था इसको क्या चाहिए और वो मुझे इसलिए नहीं बताना चाहता था किस चीज पे काम करना है कि मैं हाई हेडेड ना हो जाऊं और मैं अचानक से अपनी प्राइस कोट ना बढ़ा दूं तो जहां मैंने इतना सा लिया था जब वो इतना खुश हुआ कि मैंने उसको सही टाइम में डिलीवर किया जो मैंने बताया नहीं था उसमें उसने मुझे उससे एटलीस्ट एटलीस्ट दो गुना ज्यादा दिया उसने कहा कि जो मैंने यहां पे करना था वो मैं तुझे सारा सारा हो गया रहा। सारा कर... और मैं उस थॉट के साथ नहीं कर कर रहा रहा था। था मैं बस कर रहा था कि चैलेंजिंग चीज़ चीज़ है, कुछ नई of... हाँ, मुझे क्योंकि बहुत अच्छी वो एनिमेशन थी पूरी की पूरी एड और उसमें कोई टाइटल वाइटल सब गायब किए हुए थे उन्होंने कुछ नहीं था कहीं कोई आइडिया भी नहीं था वॉइस ओवर बाद में आया जब मैंने बनाया फिर उसमें भी जब मैंने कही तो अच्छा ऐसे काम होता है मुझे तो लगता था बड़े बड़े मॉनिटर्स के सामने मैं कहा कभी बैठा हूं, लेट के बना रहा आपने मेंशन किया था कि मैंने मुझे पता होता है, स्टेक्स इतनी आई है मैं भी बोलता किसी बड़े स्टूडियो में लेकिन अच्छी बात है नहीं पता था ज्यादा सही फिर आप हो जाते ना, हो जाता इसीलिए उसने भी नहीं बताया था मुझे ये रीजन है और क्या पता मेबी पैसे की बात भी होती बट आ गया चलो अच्छी बात है चलो सही कमर्शलाइज सीन की बात करेंगे अब एक सॉन्ग ही हम आपका रैप सुन रहे थे उस पे एक लाइन आई क्योंकि एमटीवी से पहले से हसल ये मेरी जा रही है तो हसल में भाई क्यों नहीं गया आज तक आ मैं आपको सच बात बताऊं मैंने ऑडिशंस दिए दोनों टाइम दिए अच्छा दोनों हां हाँ। फर्स्ट टाइम मुझे फिर भी लग रहा था कि फेयर सीन है सेकंड टाइम मुझे नहीं लगा इतना फेयर सीन है क्योंकि जो हिप हॉप कम्युनिटी से है ना वो जानते हैं इन लोगों को जो हजल टू में आए ना उन सबको कोई ना कोई जानता था तो, तो पता था भी थे। हाँ, हाँ तो पता था कि ये नजरों में थे बंदे और ये यहां पहुंच गए ठीक है तो मुझे इतना फेयर प्ले ग्राउंड नहीं लगा उसमें और फिर वो मैं वो भी नहीं बोल सकता कि नहीं पर मैंने ऑडिशन दिया था ऐसा नहीं ट्राई मैंने फर्स्ट टाइम भी किया था सेकंड टाइम भी दिया था और फिर नहीं हुआ तो नहीं हुआ आगे ऊपर वाला जाने और उनकी करामात जाने जो वो इंटरनली करते हैं यू नेवर नो होता रहता है यहाँ पर बट जितना क्योंकि आई नो पीपल इन बॉम्बे हमेशा कहीं ना कहीं टांका तो होता ही, ऐसी का ही का है ऐसी कोई जगह नहीं का बहुत तो बहुत चलता जम्मू में रहते हुए बताओ कैसे बिल्कुल कैसे किया बिल्कुल। कैसे होगा टांका अगर जम्मू में बेसिकली बात यही होती है कि आप कैसे जाने जाते हो रोलिंग स्टोन आर्ट प्रो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ तो एक बॉम्बे में मैं आपको एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा मेरे को पता है हाँ नहीं 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 वो नहीं तो एक स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली एक कॉन्टेस्ट होल्ड किया था और उन्होंने बोला था कि अपनी चीजें भेजो लिख के राइट क्या करना चाहते हो तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी तो वो स्कॉल स्कॉलरशिप जब मिली मुझे तो मेरे जो मैंटोर बने वो बनी निर्मिका सिंह निर्मिका सिंह आपको पता है रोलिंग स्टोन है तो लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी वो स्कॉलरशिप जो है मुझे ग्रैब करनी पड़ी करनी पड़ी तो वो मिली थी मुझे मंथ्स तक चलती रही उन्होंने पूरा मुझे मेंटोर किया बताया कि कैसे डील करते हैं क्लाइंट से कैसे अपने आप को हाँ पब्लिक रिलेशंस के लिए रेडी करते हैं अपने आप को तो काफी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखें बट ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है और सबसे अच्छी बात है कि दूर रहते हो हम ज्यादा वीडियो कॉल्स पर ही बात करते थे और ये किसी को नहीं पता ये एक्चुअली जिस दिन स्कॉलरशिप मेरी मम बहुत ज़्यादा बीमार थी और हॉस्पिटल में थी और मुझे अचानक से ई आता है और वो ऑक्सीजन पे थे उस वक्त और मैंने उनको ऐसे ही बोला मैंने कहा कि ये स्कॉलरशिप आई है और इनने बोला कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया क्या मैं

मैं पर्सनल इस पे जो ओपिनियन ये रखता हूं कि जो मर्जी इंसान करता हो मैं एक बहुत अच्छे एक इमाम थे कहीं के मैं सुनता रहता हूँ लोगों को क्योंकि अच्छी चीज़ आप कहीं से भी सुन सकते हो यू नेवर नो वो एक हाँ किसी से भी बच्चे से आ सकती है बूढ़े से आ सकती है उन्हें कहा था कि अपनी लाइफ का भी ऐसे शो मत करो किसी को कि वो तरसे सामने वाला बंदा क्योंकि तरसाने को हम भी तरसा सकते थे हमारा हिप हॉप वाली लाइफ बहुत खतरनाक होती है एक्स्ट्राविगेंट होती है लेकिन मैं खाली ये सोचता था कि किसी को तरसाना नहीं है सिंपल रहो यार क्या फजूल में क्या मैं अभी इतना ही पहन के निकलता हूँ लोग बोलते हैं अभी मैं हॉस्पिटल गया था अपने भाई के साथ तो अभी मैं एंटर ही किया था उस रूप में मैंने सुना बोलते हुए ओए बादशाह आ गया बादशाह मतलब बड़े उस, ये जम्मू है हमारा ये बड़े बड़े उस वे में आप समझ रहे हो कि ओए बादशाह आ गया बादशाह आ गया तो वो मेरा कजिन बोलता ये मेरा भाई है <laughs> वो चुप हो गया अचानक मेरे सामने की बात है ये तो ये लोग हैं अभी भी अभी इतने से कोई लेके वो इतना जज कर रहे हैं तो बाकी तो मेरे साथ भी मैं बता हुआ आपको। मैं बताऊं आपको छन्नी पार्क में घूम रहा था और मेरे थी तो लोगों ने मेरे को एमसी के नाम अरे भाई जमीन आसमान कोई मिलते भी नहीं हो बिल्कुल वही कहीं ना कहीं पर है यार कोई नहीं जम्मू मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगा तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे वो अलग बात है मे बी नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी फ्री हो लेकिन अभी नहीं है इतना फ्री कल्चर नहीं है आप कह भी रहते हैं मैं अपने गानों में बहुत प्रमोट करता हूँ मैं लोगों से खुश नहीं हूँ बट मेरी जो जम्मू को लेके मैं बहुत वो मैं मैं बहुत लड़ता हूँ इस चीज़ को लेके एज रीजन्स भी अगर कोई लोग और हैं ये लोगों के मन में फीलिंग है अभी आपको याद होगा कि मैंने एक रील डाली थी रोहित के साथ आरजे रोहित के साथ मैंने एक रील डाली थी तो उसमें मैंने उसको एक कश्मीरी एक्सेंट में बात की है उससे और उसको सिखाया है कश्मीरी एक्सेंट तो कमेंट्स में लोग इतनी हेट बरसा रहे थे दूसरे रीजन से कश्मीर रीजन से ये कौन सा गुजरों वाला एक्सेंट है अच्छा। ये क्या है अब मैं अंदर से सोच रहा हूँ इतनी हेट क्यों करते हैं एक लैंग्वेज को लेकर कि यार किसी की जागीर तो नहीं है ना कोई भी अगर तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा ओरिजिन कहाँ कश्मीरी का कहाँ से है संस्कृत है उसमें फारसी है बहुत सारी मिली हुई बहुत सारी उर्दू है तो वो आके ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी कश्मीरी नकली है ऐसा कैसे कोई बोल सकता है यार कि तुम्हारी लैंग्वेज सही नहीं है तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं अलग बात है लेकिन हर इक्कीस किलोमीटर के बाद हर लैंग्वेज का डायलेक्ट बदलता ही बदलता है तो वो मुझे वो हेट देखते डाइवर्स है ना यहाँ पे हमारा डाइवर्स, डाइवर्स नहीं है डिवाइडेड है।, है डाइवर्स मत बोलो डिवाइडेड है नहीं होना चाहिए वो चीज़ कभी भी हर एक जगह की हम डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं हमारा अपना एक रिच कल्चर है अपनी हेरिटेज है अपनी लैंग्वेज स्टाइल है हम क्यों सुने किसी की बात है हम नहीं सुन सकते वही जम्मू को लेकर भी मैं फील करता हूँ हमेशा फाइट करता हूँ कि जम्मू को भी एक्सपोजर दो यार क्यों नहीं जब जम्मू क्यों जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना तब कश्मीर को बिकॉज ऑफ द सोशियो सोशियोपोलिटिकल स्टेट ऑफ दैट रीजन उसको मिल जाती है लाइम लाइट लेकिन जम्मू को भी मिलनी चाहिए फॉर अदर रीजन में भी टूरिज्म हो सकता है कुछ भी लेकिन ही है ब्रो को, कोई डिफरेंस तो है नहीं बाहर निकलो है बहुत है हा? जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि वहाँ तो बर्फ पड़ती होगी बहुत ठंड होती होगी भाई तो कैसे पता उनको जम्मू का है अगर वो ये बोल रहे हैं कि उनको लगता है जम्मू वही है जहाँ कश्मीर है तो हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मर्ज हो गई है ऐसा नहीं है कल्चर में दोनों के कल्चर में बहुत डिफरेंस है और ठीक है हमारी एक अच्छा अगर हम एक ही स्टेट थे तो लद्दाख क्यों अलग हो गया अचानक से बताओ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज थी उनका एक अपना कल्चर था सब कुछ चीज़ें थी तो वही मैं खाली ये कह रहा हूँ कि खाली ज़बरदस्ती बोलने से साथ में रख के कि तुम तो एक स्टेट हो नहीं होता वो एक फीलिंग आनी चाहिए मन में कि तुम तो एक स्टेट हो वो फ़ील करना चाहिए और ऐसे किसी को हेट नहीं करना चाहिए भाई तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है क्यों नहीं है भाई हमारा अपना है हिसाब किताब लो इसको चलो इसको छोड़ो आपके गाने पे आते हैं <laughs> लिरिक्स जो आपके होते हैं वो आप जो लिखते हो वो अपने इंस्पायर्ड अपने से आते हैं या जो हुआ है लाइफ में उसको इंडल्ज करने की कोशिश करते हो कि भाई एक आपका था एक जमाने में कि मेरी पहली कार और पहला प्यार दोनों स्क्रू अप स्क्रूड हाँ। हा। अप है हाँ। उसपे <laughs> बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही है इनको इनको संभाल लो भाई खतरनाक जर्नलिस्ट है <laughs> तो सही है वो यार पहला प्यार आज तक किसी का मुकम्मल नहीं हुआ है अगर कोई कोई बोलेगा ऐसा हुआ है तो मैं तो भाई नहीं मानूंगा कुछ होते हैं खुशकिस्मत लेकिन बाद में रोते हैं वो अलग बात है लेकिन हुआ था मेजरली मुझे लगता है एक वही सबसे बड़ा धक्का था मेरे लिए स्कूल आ, से तभी तो हेट नहीं गई नहीं नहीं स्कूल से नहीं मैं खाली कहता हूँ माहौल से है मुझे स्कूल, आ, स्कूल से तो नहीं स्कूल तो मुझे उस हिसाब से क्या मिक्स फीलिंग्स ही हैं क्योंकि मैं पर्सनली बहुत वहाँ पर मैं बुली हुआ हूँ स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड में था और सारे जो लोग लौंडे जलते थे वो आके बोलते हैं हाँ बड़े तो गिटार बजाता है चलना जरा साइड पे तो होता है और मैं तब पतला दुबला सा होता था उस टाइम पे ज़्यादा ना हमारी वैसी कोई पलटन भी नहीं होती थी नहीं। कि एक दोस्त था बेचारा वो तो मेरे बोलने खांसने से पहले गायब हो जाता था <laughs> तो क्या फ़ायदा ऐसे जब बैक ही नहीं हो ऐसे टाइम पे तो वो बोली और उसके बाद ना मुझे वहाँ पर भी ये लगता था कि अपनी ना जो चीज़ें पसंद है उसके लिए लड़ना पड़ता है तो इसीलिए वरना एज सच मुझे स्कूल से टीचर्स कुछ ऐसे हैं जो मुझे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं यार बहुत ज्यादा जिन्होंने एक नाम में लेना चाहूंगा परमिंदर मैम है जे के पब्लिक स्कूल में उनने जो हमें ग्रूम किया ना जो हमें लाइफ के लिए ग्रूम किया आगे कसम से वैसे ही टीचर नहीं उनको देख के मुझे मन किया था कि मुझे टीचर बनना और मेरी मदर भी थी कहीं ना कहीं ये दो इन्फ्लुएंसेस मेरी लाइफ में बहुत है कि मुझे पढ़ाना है आगे चल के और अभी भी वो सपना है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं पढ़ाऊंगा एक्सपीरियंस गेन करने का uh, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मास्कॉम में हम हम फिल्म पढ़ा सकते हैं हम कुछ भी म्यूजिक भी बहुत वास्ट है आप म्यूजिक पढ़ा सकते हो मास्कॉम बहुत इन जनरल जैसे आप मास के साथ साउंड इंजीनियरिंग हाँ कुछ भी कुछ भी जो भी नॉलेज जम्मू में जैसे हैं लोग हैं ऐसे जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं पर उनके पास नहीं है पढ़ाने वाले खुद कभी फील्ड में उतरे नहीं आधे से ज्यादा तो अब वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस वाला आ रहा है लेकिन जब तक वो आएगा तब तक वही टाइम बीत जाएगा सही, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे आपने हमारा जो न्योता था वो एक्सेप्ट कि यार मुझे पेंसिल शार्पन करना अच्छा लगता था लेकिन अब तो मुझे, तो मुझे अपने आप हाँ को शार्पन करना पड़ता है आ, ऐसा क्यों बहुत खुशी होती है जब कोई आपके लिरिक्स पढ़ के समझता है उनको आए हाय है इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं भाई जिंदगी में पैसे को गोली मारो ठीक है यार है मतलब मैं शुरू से ऐसा नहीं था मैं जब मैं बॉम्बे गया था तो ये बात सच है मैं और ये बहुत लोग मुझसे शायद रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत देसी लोगों के बीच में रहे हैं और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं इंग्लिश बोलने में भी डर लगता था तो पहले क्या होता था कि जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मैंने एक ना दिल्ली गया सबसे पहले तो वहाँ देखा सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं बाहर के भी मैं क्या करूँ भाई तो बहुत वो ना एक कॉम्प्लेक्स आ गया था मन में तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया मैंने एक ट्रिक खुद से ईजाद की मैंने कहा क्या करता हूँ पहले एक सेंटेंस बोलूँगा और एक वर्ड इंग्लिश का लगाऊंगा ठीक है फिर एक और सेंटेंस बोलूंगा और दो वर्ड्स इंग्लिश के लगाऊंगा फिर ऐसे करते करते एक पूरा इंग्लिश का सेंटेंस बोलूंगा ठीक है ऐसे करते करते हाँ फिर हिंदी फिर फिर मिक्स करते 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 हम यही हैं यू नेवर नो मतलब कब आपके दिमाग को वो, आपको हो जाए आप चीज कर ले अडेप्ट और आप बोलने लग जाओ आपको पता भी नहीं चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ मेरे साथ और यही एक एग्जाम्पल है कि कैसे मैंने अपने आप को शार्प किया ये एक एग्जाम्पल है तो बहुत सारी फिर बॉम्बे में इतनी उधर भी बोलिंग फेस की हमने प्रोफेशनली लोगों के साथ वहाँ भी लड़ाइयाँ हुई बहुत धोखेबाजी हुई, वहां से सीखा फिर उसके बाद आपको समझ आ गई तो काफी था, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब उसने शार्पन शार्पन नहीं किया? तो ऐसे आंसटेंसेज होते रहते हैं आई थिंक एक की लाइफ में होते हैं तो बस जैसे पेंसिल शार्प होती है वैसे हम भी शार्प हो गए चलो सही है भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और कनेक्टेड रहो इनके सिया को भाई को भी फॉलो करो मैं ही बोल देता हूँ भाई के लिए इनको फॉलो करो मुझे पता है बहुत सारे लोग इनको चोरी चोरी देखते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं मेरी तरह मुझे भी जब मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कॉमन है जो देख रहे हैं पोस्ट लेकिन मैंने लाइन डाली है मेरा एक गाना है ट्रिपल थ्रेड देखो खिड़की से पर नहीं आना घर पे पर ये वही है कि ये खिड़की से देखते हैं बट घर नहीं आ घर नहीं आएंगे प्लीज घर आइए प्लीज घर आइए आपकी मेहमान नवाजी होगी अच्छा तरीके से बट थैंक यू सो मच थैंक्स थैंक्स फॉर हैविंग मी चलो कट करवा दो कट 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 कट